Hello students, take out your math book and come to exercise 2.3. We will see the third word problem from exercise 2.3. Take out your book and read from your book. Okay, see. There are 85,24,650 letters printed in a book. If 82,426 are small letters, हाउ मेनी कैपिटल लेटर्स आर देयर. ठीक है, हमें दिया है एक बुक में लेटर्स कितने प्रिंट हुए हैं उसकी संख्या और उसमें स्मॉल लेटर्स कितने हैं उसकी संख्या. तो अब हमें कैपिटल लेटर्स की संख्या निकालनी है. ठीक, देखो टोटल लेटर्स जो प्रिंट हुए थे बुक में वो कितने थे, लिख लीजिए 85,24,650. ओके, नाउ नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स दिए हुए हमें कितने किए थे उन्होंने, 82,426. ये नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स. अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स. हमने लिखा है नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम बताइए. इसमें से माइनस करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करने के बाद पता चलेगा. करेक्ट, सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तभी हमें पता चलेगा. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में से नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स जब हम माइनस करेंगे तब हमें नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स मिल जाएगा. चलिए तो स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग. इज इट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 0? नॉट पॉसिबल. सो बोरो फ्रॉम हियर, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 10. देन काउंट आफ्टर 6 अप टू 10. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, and 4. Okay, 4. 4 minus 2 will be 2. 6 minus 4 will be also 2. Then 4 minus 0, 4. 2 minus 0, 2. 5 minus 2 will be 3. And 8 minus 8 will be 0. Put commas. Yes. Now read the answer. 3,24,224. ये क्या मिल गया हमें, नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स. सो वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स विल बी 3,24,224. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 68,47,51,923. इफ वन नंबर इज 39,84,60,025, फाइंड द अदर नंबर. सेम वे में फाइंड आउट करना है हमें. सम ऑफ द टू नंबर्स दिए हमें, कितने दिए है लिख लीजिए, 68,47,51,923. ये हमें सम ऑफ टू नंबर्स दी हुई है. वन नंबर उसमें से क्या दिया है, वन नंबर इज गिवन 39,84,00,000, देन 60,025 इज गिवन. अदर नंबर हमें फाइंड आउट करना है. तो अदर नंबर हमें कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके मिलेगा या सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, क्या करेंगे. देखो एक दो नंबर्स की सम दी है इतनी, ठीक है, और उसमें से एक एडेंड दिया है हमें, तो सम में से एक एडेंड माइनस करेंगे तो हमें दूसरा एडेंड मिल जाएगा. ये तो हमने सीखा था, ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग. 3 minus 5, इज इट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 5 from 3? नो. सो बोरो फ्रॉम हियर. नाउ यहां से हम बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 13. अब 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है. काउंट आफ्टर 5 अप टू 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. राइट हियर 8. 1 minus 2. इज इट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 2 from 1? नॉट पॉसिबल. सो बोरो फ्रॉम हियर, दिस विल बी 8 एंड दिस 1 विल बी 11. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट 2 from 11. काउंट आफ्टर 2 अप टू 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here we'll write 9. Then 8 minus 0 will be 8. 1 minus 0 will be
1, 5 minus 6, possible, not possible, so borrow from here, this will be 6 and this will be 15. Count after 6 up to 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, put here 9, then 6 minus 4 will be 2. Again, is it possible to subtract 8 from 4? Not possible, borrow from here, this will be 7 and this will be 14. Count after 8 up to 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here we'll write 6. 7 minus 9, is it possible? Not possible. So borrow from here, this will be 5 and this will be 17. Count after 9 up to 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Write here 8. 5 minus 3 will be 2. Then put commas, okay. Now read, what is the other addend, other number? The other number is 28 crore 62 lakhs 91,898. Okay, this is the answer. Now the next fifth one, what should be added to 9 crore 7 lakh 36,124 to get 21 crore 52 लैक्स 10,015. सेम वे में करना है हमें. हमें दी है सम, दी है कितनी, दी है कितनी एडिशन मिलेगी हमें, कहा है टू गेट 21 करोड़ 52 लैक्स 10,015. ये हमें दिया है, दी है सम, और एक एडेंट दिया है उसमें से 9 करोड़ 7 लैक्स 36,124, और दूसरा एडेंट हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सेम वे में, फोर्थ के जैसे ही हमें फिफ्थ वाला करना है, वो आप लोग कर लेंगे. ओके okay?